गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए फिर से अब कैपिटल बजटिंग का नेक्स्ट क्लास फिर डिस्कस होने वाला है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर चुके थे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अरे ना अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का जितने भी टॉपिक था ये अप्रॉक्स हो चुका है, चूँकि क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 6 तक थे। अब आफ्टर 6 के बाद जो भी है पे बैक पीरियड से रिलेटेड टॉपिक है। तो पे बैक पीरियड क्या था, शायद पिछले क्लास में हम लोग कुछ डिस्कस भी किए थे, बट थोड़ा सा बच गया था कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स जो बताए थे उसका फार्मूला थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या करने को हम लोग सी फैट निकालना पड़ता है, सी फैट मतलब कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो देखिए पहले से जो हम लोग निकालते थे अकाउंटिंग प्रॉफिट, क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट में क्या होता था कि पहले से हम लोग जो पैट का मतलब होता प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम लोग क्या करेंगे डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे सी फैट में, पैट में। अगर पैट दिया रहेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया रहेगा, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, ठीक है। यदि हम लोगों को अगर कभी कभी ऐसा भी दिया रहेगा सी फैट निकालना रहेगा और हम लोगों को दिया रहेगा कैश फ्लो बिफोर टैक्स, कैश फ्लो बिफोर बी लग गया तो कैश फ्लो बिफोर टैक्सेशन, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें से टैक्स को लेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ टैक्स को लेस करने से पहले क्या समझिए, इसका मतलब डेप्रिसिएशन इसमें से लेस ऐड है। देखिए यहाँ पर हो गया कैश फ्लो बिफोर टैक्स का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन लेस है, लेकिन डेप्रिसिएशन लेस के बाद क्या किया गया है डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग को डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ेगा इसमें से, ठीक है। तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो क्या आ जाएगा डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तब आ जाएगा आपको पैट। पैट में से क्या करेंगे हम लोग टैक्स को लेस कर देंगे, ठीक है। टैक्स लेस हुआ तब हम लोग क्या करेंगे फिर ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन को, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा समझना है हम लोगों को, क्योंकि देखिए कैश फ्लो बिफोर टैक्स का मतलब क्या है, टैक्स लेस नहीं किया गया है, साथ साथ डेप्रिसिएशन भी लेस नहीं किया गया, इसीलिए कैश लगा हुआ है। कैश सब का मतलब ही है कि डेप्रिसिएशन उसमें इंक्लूड है, ठीक ना। तो हम लोग जब भी टैक्सेशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन घटाने के बाद ना टैक्स चार्ज करते हैं, इसलिए क्या किए पहले डेप्रिसिएशन को लेस किए, जो अमाउंट आया उसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को लेस कर दिए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही आ गया, अब इसमें पुनः फिर डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिए तो हम लोग फिर आ गए सी फैट पे आ गए, ठीक है। अभी जो हम लोग इलस्ट्रेशन बनाने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इसी टाइप के, उसमें प्रॉफिट दिया हुआ है, ये प्रॉफिट दिया हुआ है सी एफ बी टी कैश फ्लो बिफोर टैक्स दिया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग चलते हैं, अब देखिए हम लोग कंप्यूटेशन करते हैं कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। यहाँ पर किसी का कंप्यूटेशन हो रहा है सी फैट का, सी फैट फॉर मशीनरी ई है। पहले मैं मशीनरी ई के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो देखिए मैं फॉर्मेट किस तरह लिखा हूँ। सबसे पहले मैं फॉर्मेट जो लिखा हूँ वो ईयर दिया हुआ है, उसके बाद सी एफ बी टी मतलब कैश फ्लो बिफोर टैक्सेशन है जो क्वेश्चन में ही गिवन है। अब क्या है तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन, अब उस डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे सी फैट में हम लोग क्या करेंगे डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे, ठीक ना, सी फैट से। तो यानी कि पी बी टी का लगा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, यानी कि 1-2 कॉलम 1 और -2, उसके बाद कॉलम नंबर
फोर्थ होगा टैक्स निकालना होगा। अब क्या करेंगे, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन से हम लोग टैक्स को लेस कर देंगे तो क्या कहलाएगा, पैट कहलाएगा। ठीक है, अब उस पैट में क्या करेंगे, पुनः डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो सी फैट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं? तो देखिए अब हम लिखते हैं, ये आपको इलस्ट्रेशन नंबर, जिनके पास बुक नहीं होगा उनका फिर एकदम मैं स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन ये है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, ठीक है, जिसमें मशीन ई और मशीन एफ दो मशीन दिया हुआ है। तो आप लोग देख लीजिए, जिनके पास बुक नहीं है वो अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस तरह करके क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, समझ गए आप लोग? तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कितना, 7 ईयर था लेकिन मशीन ई का था 5 साल तक ही दिया हुआ है और उसके लिए 7th ईयर तक था, ठीक ना? लेकिन हम लोगों को तो लिखना पड़ेगा 7 ईयर ना, चूँकि जब लाइफ दिया हुआ 7 तो 7 तक चलना पड़ेगा। 6 कर दीजिए और 7 भी कर दीजिए। यहाँ तक तो ठीक है। नहीं तो इसमें तो 6-7 होगा ही नहीं, चूँकि इसमें तो जब प्रॉफिट ही नहीं तो इसको हटा दिए, उसमें चलेगा। अब देखिए ई मशीन का आप ले लीजिए, प्रॉफिट दिया हुआ सी एफ बी टी दिया हुआ है क्वेश्चन, 30,000, 24,000, 22,000, 30,000, 24,000, उसके बाद कितना है, 30, 24, 22 है ना, 22 है स्टेशन नंबर 8 है, पेज नंबर आपका बुक का दिया हुआ है 86 है, 22,000 है यहाँ पे, 22,000 है, उसके बाद कितना है, 20,000 है, उसके बाद 14,000 है। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं? अब देखिए डेप्रिसिएशन को बोला है, डेप्रिसिएशन बोला है द कंपनी यूज स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड एंड टैक्स रेट इज का था 50% विच मशीन शुड बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड। तो हमने बताया था कि पे बैक पीरियड में क्या होता है कि जिस मशीनरी का, जिस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड जितना कम होगा उस प्रोजेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसका देखिए लाइफ, इसका कॉस्ट कितना दिया, ऊपर पढ़िए, कहता है एक्स वाई जेड लिमिटेड इज कंसीडरिंग द परचेज ऑफ मशीन, टू मशीन ई एंड एफ आर अवेलेबल, मशीन ई विल कॉस्ट कहता 60,000 एंड हैज लाइफ कहता 5 ईयर, मशीन एफ विल कॉस्ट कहता 98,000 एंड हैज लाइफ कहता है 7 ईयर, देयर विल बी नो सेल्वेज वैल्यू फ्रॉम एनी मशीनरी, द एस्टिमेटेड कैश फ्लो बिफोर टैक्सेशन एंड डेप्रिसिएशन फ्रॉम द टू मशीन आर फ्लो। तो देखिए आपको मशीन ई का कॉस्ट आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है 60,000 है, ठीक है, मशीन ई का कॉस्ट। तो हम लोग डेप्रिसिएशन यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट दिया हुआ इसको 60,000 और यूजफुल लाइफ दिया हुआ 5, तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू हो जाएगा 12,000। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर कोई सेल्वेज वैल्यू होता तो उसको हम लेस भी कर देते, बट यहाँ पे क्या है कि सेल्वेज वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो डेप्रिसिएशन 12,000 होगा, चूँकि स्ट्रेट लाइन बेसिस है, 12,000 और ये भी होगा 12,000। अब क्या हम लोग करने को है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे तो सी एफ बी टी में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे,
तो आपको आ जाएगा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 30,000 से 12,000 चला जाएगा तो 18,000 आएंगे, 24 से 12 जाएगा तो 12,000 आएगा, 22 से 12 गया तो 10,000 रिमेनिंग बचा। यहाँ पे 20 है, 20 से मैं लेस करूँगा 12 तो आपको 8,000 आएंगे। उसके बाद देखिए 14 है, 14 में से 12 को लेस करूँगा तो 2,000 बचेगा। ठीक है, अब क्या होगा, टैक्सेशन निकलेगा। तो टैक्स का रेट है आपको एट द रेट ऑफ 50% है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टैक्स जो है, टैक्स एट द रेट ऑफ 50% है। तो टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन का इसका मैं 50% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 9,000 होगा ये 18,000 का 50%, 12 का हो जाएगा 6,000 50%, 10 का हो जाएगा 50%, 5,000 होगा 8,000 का 50% आपको, 4,000 होगा 2,000 का 50%, 1,000 होगा। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है सभी को? अब मैं क्या करूँगा, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन से मैं क्या करूँगा, टैक्स को लेस कर दूंगा तो पैट आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस समय से लेस करूँगा चूँकि 50% है, जितना टैक्स है उतना ही आएंगे। तो यह आया 9,000, यह आया 6,000, यह आपको आ गया 5,000, ये आ जाएंगे आपको 4,000, ये आएगा आपको 1,000। ठीक है, आप क्या करेंगे, पैट में हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे फिर से। तो क्या आ जाएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेशन आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन 12,000 था, पैट हम लोग को 96 ये था, तो 9,000 में 12 को भाई ये, इसीलिए देखिए लिखिए कॉलम 5 आ प्लस कॉलम 2। चूँकि देखिए कॉलम 5 जो है ये हो गया और कॉलम 2 जो है सर डेप्रिसिएशन का कॉलम है, इसलिए मैंने डिनोट कर दिया हूँ कॉलम 5 प्लस कॉलम 2। तो ये हो जाएगा 21,000 हो जाएगा, 21,000, 6,000 और 12 18,000 होगा, 5,000 और 12 यानी कि 17,000 होगा, 4,000 और 12 16,000 होगा और ये हो जाएगा 13,000। यहाँ तक निकल गया। हम लोग को निकालना क्या था, पे बैक पीरियड। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ तक अल्टीमेटली जो आपको एनुअल कैश फ्लो चाहिए वो आपको निकल के आ गया। पहले समझिए कॉन्सेप्ट को, बात समझिए ज़रा। हम क्या बताए थे कि पे बैक पीरियड का मतलब ये होता है कि जिस प्रोजेक्ट में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आफ्टर कितने ईयर में रिटर्न बैक आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो चाहिए एनुअल कैश फ्लो, मतलब एनुअल जो इनकम होता है वो चाहिए, वो निकाल लिए यहाँ पे। तो हम क्या बताए थे कि जब डिफरेंट डिफरेंट ईयर का इनकम होगा तो क्या करते, क्यूमुलेटिव निकालते, क्या कल ही डिस्कस किए थे। तो ये हम लोग को चाहिए इतना, जो अभी तक हम लोग कहानी बनाए किसके लिए, सिर्फ इसको निकालने के लिए। अगर ये दिया होता तो क्या करते, क्यूमुलेटिव यहीं से निकालते, लेकिन ये दिया ही नहीं था इसलिए इसको हम लोग कैलकुलेशन किए। अब क्या है, इसको क्यूमुलेटिव कर देंगे। ठीक है, क्यूमुलेटिव करेंगे तो देखेंगे कब आ रहा 60,000, क्योंकि इसका कॉस्ट कितना था, 60,000 था। तो 60,000 जिस ईयर में आएगा तो वो माना जाएगा उतना ईयर पे बैक पीरियड हुआ। तो देखिए यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन को मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव सीफेट, क्यूमुलेटिव सीफेट, सी यू एम लिखे आप लोग, फुल लिखे क्यूमुलेटिव, हम शॉर्ट में लिखे सी यू एम का मतलब समझेगा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो लिखा हुआ है। तो देखिए 21,000, अब क्या करेंगे 21 में 18 को ऐड करेंगे क्या, तो हो जाएगा आपको 39,000। फिर ये 17 को ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा आपको 56,000। अब इसको मैं ऐड कर दूंगा 72,000, इसको मैं ऐड कर दूंगा 85,000।
तो आप देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, पे बैक पीरियड, यहाँ से निकलेगा पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड तो देखिए क्या है, इसका कॉस्ट कितना था, 60,000 था। पहले समझिए बात को, तो देखिए 60,000 कहाँ पे जाकर आ रहा है, तीसरा साल में 56 हो रहा है, चौथा साल में 72 हो जा रहा है। बात समझिए, तो हम क्या बताए थे कि ये मानेंगे इसका मतलब तीन और चौथा साल के बीच में ही होगा मेरा पे बैक पीरियड 60,000। तीसरे तीसरा ईयर का ये जो है 56,000, इस ईयर का ले लेंगे, ये कब है तो थर्ड ईयर का है, तो थ्री ईयर हो गया प्लस कितना और चाहिए 4,000। उसके लिए हमने बताया थे कि इसका 60,000 लिखेंगे, 60,000 और माइनस जितना दिया हुआ है 56,000, तो पता चलेगा कितना और चाहिए, और डिवाइड करेंगे नेक्स्ट ईयर का इनकम, तीन साल के बाद चौथा साल का इनकम देखिए कितना था, ये इनकम देखेंगे, चौथा साल की इनकम 16,000 रुपया है। चूँकि हम जान रहे हैं कि अगले साल हम लोगों को आएगा 16, तो मैं 16,000 लिख दिया, तो ये हो गया आपको 3 + 4,000 / 16,000 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + 0.5, इसको कटिंग करूंगा तो यानी कि ये हो गया 3. इतना ईयर लिखिए, या और करके हम क्या बोले, अगर साल और मंथ में लिखना चाहेंगे तो 3 + 0.25 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आएगा, तो 3 साल 3 मंथ आएगा, ठीक ना। ये आपको निकल के आएगा प्रोजेक्ट ई के लिए। अब बनेगा मशीन सीफेट फॉर मशीन एफ के लिए बनेगा, एफ के लिए। ये था 7th ईयर इसका लाइफ है, तो 6 और 7 मैं 2 स्टेप बढ़ा दिया। अब इसका हम लोग प्रॉफिट देखेंगे कितना गिवन है, इसका है 42,800। बोलिएगा तो प्रॉफिट कितना कितना दिया है, 42,800, 42,800, 35,600, 28,400, 31,200, 18,000, 17,000, 16,400। अब देखिए डेप्रिसिएशन, यहाँ देखिए इसका कॉस्ट कितना था, 98,000 ना था, देखे तो 98,000 समथिंग की, सिर्फ 98 था, 98,000। तो इतना को डिवाइड कर देंगे 7 से, चूंकि इसका यूजफुल लाइफ 7 है, तो कितना हो जाएगा 14,000 आएगा डेप्रिसिएशन। ईच एंड एवरी ईयर होगा डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 14,000, 14,000, 14, 14, 14, ठीक है यहाँ तक आ गया। अब क्या होगा, डेप्रिसिएशन को ऐड लेस कर दूंगा इससे, क्या तो पीबीटी का लाएगा, तो 42,800 में से 14 चला गया, तो 28,000
800 बचेगा, 35600 में से 14 चला जाएगा, 21600 बचेगा, 21600 बचेगा, 28400 में 14 गया तो 14400 बचेगा, उसके बाद 21200 में 14 चला गया तो 7200, 18 इतना में से गया तो 4000, 17 में से गया तो 3000, और ये इतना में से चला गया तो ये हो गया 2400। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद टैक्स है, ये भी 50% है, टैक्स का रेट तो सेम रहेगा, तो इसका 50 निकालूँगा तो 1400 इतना होगा, 21 का इतना निकालूँगा तो कितना हो जाएगा 10800, इसका हो जाएगा 7200, इसका हो जाएगा 3600 50%, इसका हो जाएगा 2000, इसका 50% होगा 1500, और इसका हो जाएगा 1200। यहाँ तक क्लियर है? अब टैक्सेशन मैं लेस कर दूंगा पीबीटी से, इतना में से इतना, तो 50% है तो सेम होगा, जितना टैक्स है उतना ही, 14400, 5400, 3600, 1800, 1000, 750, और ये 600। ठीक है, अब सी फैट होगा, पैट में डेप्रिसिएशन को मैं पुनः ऐड कर दूंगा, यानी कि 14400 में फिर 14 को ऐड कर दूंगा, तो 14400 में सब में 14 वर्ष रेट रुपीज़ को ऐड कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपको 28400, ये 14 होगा तो 19400, इसमें 14000 ऐड होगा तो 17600, और ये 14 ऐड हो जाएगा तो 15800, और ये हो जाएगा 15000, ये हो जाएगा 14750, और ये हो जाएगा 14600, ये हो गया। अब सी फैट क्यूमुलेटिव कर दूंगा तो 28400 में 19000 ऐड होगा, कितना होगा 47800, इसमें 17 ऐड हो जाएगा, 17 ऐड होगा तो 65000 कितना होगा 400, उसके बाद इसमें ऐड हो जाएगा 15800 तो 81200, फिर से 15000 ऐड हो जाएगा तो 96200, इसमें 14 ऐड कर दूंगा तो 1,00,950, और ये ऐड कर दूंगा तो 1,15,550 होगा, क्यूमुलेटिव निकल गया। ठीक है, अब हम लोग पे बैक पीरियड निकाल देंगे, तो पे बैक पीरियड इज इक्वल टू होगा पे बैक, शॉर्ट में लिख रहे हैं पीरियड इज इक्वल टू, देखिए 98000 चाहिए था हमको तो 96000 कितना साल में जाकर हो रहा है, 5 साल में हो रहा है क्या, तो फिफ्थ ईयर और प्लस चाहिए कितना 98000 चाहिए था, 98 माइनस 96200 बाई नेक्स्ट ईयर का इनकम, नेक्स्ट ईयर कितना 14750, ये कटिंग कीजिए 5 प्लस ये चला गया 1800 बचा, अब बटे कितना आएगा 14400, 10800 में 21600 लेस कीजिएगा तो 10800 आएगा,
किस में? ये 21,600 में क्या किए? हाँ हाँ हाँ, तो सेम बचेगा क्या? जी सब सेम। ओ, इसका हम आधा कर दिए क्या? सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। हाँ अच्छा, इसी को आप सुधार लीजिएगा ना, तो फिर से कटिंग हो जाएगा टाइम रहा। आपको इसको सुधार लीजिए, हम उसका 50 कर दिए, ठीक ना? ये आप जो 14 हुआ टैक्स 400, उसी तरह यहाँ पर 10,800, इतना ही सेम ये रह जाएगा क्या? हम इसका आप कर दिए थे, ये सेम रह जाएगा, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर करके वो लिख लीजिए आप लोग, इसको इम्प्रूवमेंट कर लीजिएगा। ऐसे तो आप लोग उधर का नोट किए भी नहीं होंगे क्या?